नमस्कार, क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। माओवादियों के आह्वान पर चल रहे शहीद सप्ताह के दौरान 4 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली का नाम मुकेश और रत्ना बताया जा रहा है। वह कालीमेला एरिया कमेटी से जुड़ा था। मुकेश के खिलाफ जिले के कई थानों में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। नक्सली दंपति पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी जगमोहन मीणा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपति को सरकार की ओर से संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्हें नगद सहायता राशि और रोजगार के लिए जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अजी मलकानगिरी पुलिस थाना रे दुई माओइस्ट कैडर सरेंडर करी छंती। जणे होउची मुकेश से एसीएम रैंक रे कैडर और जणे होउची रत्ना से पार्टी मेंबर रैंक रे कैडर। ये दुई कैडर वर्तमान मलकानगिरी रे स्वाभिमान एरिया रे मिलिट्री प्लाटून रे एक्टिव थिले। से माने आज सरेंडर करी छंती। तार मुख्य कारण होउची गुरुप्रिया ब्रिज रे कंप्लीशन। ग्रुप्रिया ब्रिज रे कम्प्लीशन होगा जो आम जनता पाई कैंप एस्टाब्लीश करतापर आमर सिक्योरीटी फोर्सेस रे इंटीरियर एरियाज रे एंटी नक्सल ऑपरेशन फ्रिक्वेंट हो जाता ये सहित तंकर जो पार्टी भितर जो से माने देखिले माओइस्ट कैडर मान एक्टिविटीज देखिले कि जमती सुधीर एक्टिविटीज देखिले कि से जड़े फेमिनाइजर आउ लोक माने संग्रे तंग तंग संग्रे तंग व्यवहार भलो नाइ लोक माने को विदाउट एनी रीजन असॉल्ट करू छंती और से माने देखिले कि गवर्नमेंट केमती डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करू छंती तो ये सब चीज देखी कि आउ माओइस्ट माने रे वायलेंट अप्रोच रे फ्यूटिलिटी देखी कि आज से माने सरेंडर कर छंती। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।